हेलो दोस्तों, हम आए V3S मॉल में लक्ष्मी नगर और यहाँ हमने पिक्चर देखी है मैडम चीफ मिनिस्टर। वाओ, पिक्चर इतनी बढ़िया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। रीटा चड्ढा का रोल इसमें बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये मूवी राजनीति पर आधारित है और जैसे कि माना जाता है कि पुरुष ही राजनीति अच्छी कर सकते हैं, लेकिन इस फिल्म को देखकर आप भूल जाएंगे कि पुरुष ही राजनीति अच्छी कर सकते हैं। स्त्री ने इतनी अच्छी राजनीति करी है जिसका नाम है रीटा चड्ढा। उसकी एक्टिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आप इस मूवी को जरूर देखें। तो दोस्तों, आप लोगों को मम्मी ने बता ही दिया कि उन्हें फिल्म कैसी लगी और ये महिला सशक्तिकरण की मैं फिल्म कह सकता हूँ। जैसे कि उन्होंने अभी मम्मी ने भी ये बात बोली है कि हम लोगों को यही लगता है कि आपने देखा है पूरे देश में ज़्यादातर, क्या मतलब मैं कहूँगा 90% से ज़्यादा पुरुष ही राजनीति में है और उनके हाथ में ही पावर रहती है और ये समझा जाता है कि शायद महिला उतनी अच्छी राजनीति ना कर पाए या उतना अच्छा शासन ना कर पाए। लेकिन हमारे सामने एक जीता जागता तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक रियल एक उदाहरण है। हमेशा इंदिरा गांधी की बात की जाती है कि वो बहुत ही बोल्ड लेडी थी और उन्होंने मतलब देश को किस तरह से चलाया था। उस टाइम पर इमरजेंसी भी थी, बहुत सारी कमियां थी, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी को एक सशक्त लीडर माना जाता था अपने टाइम में। और इस फिल्म को देखकर आपको यकीनन उनकी याद आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है कि ये फिल्म मायावती की लाइफ से इंस्पायर है। इंस्पायर तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये उनकी बायोपिक नहीं है और इसके अंदर आपको बहुत सारे फिक्शन एलिमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो फिल्म है, जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया है, मैं भी इस फिल्म को थोड़ा सा अंडरएस्टिमेट कर रहा था कि यार शायद हो सकता है कि फिल्म उतनी अच्छी ना हो, तो आज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। लेकिन जब मैंने मम्मी को ये ट्रेलर दिखाया तो मम्मी ने मुझे कहा कि नहीं, इस फिल्म को देखना चाहिए और इसमें ज़रूर कोई अच्छा मैसेज भी होगा। और मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि मैं और मम्मी दोनों ही इस फिल्म को देखने आए V3S मॉल में। हमारे घर के पास यही सबसे नज़दीकी एक सिनेमा घर पड़ता है। तो इस फिल्म को देखने के बाद सच में इतना मज़ा आया, इतनी बढ़िया लगी कि मतलब आपकी नज़र ही नहीं हटती। और सबसे अच्छी बात है कि इसके जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी बहुत कमाल की है, जैसे सौरभ शुक्ला, मानव कौल, ये मतलब दो दमदार पिलर हैं इस मूवी के और बहुत ही बढ़िया फिल्म है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा। और ये फिल्म आप थिएटर में ही जाकर देखेंगे तो तभी मज़ा आएगा, क्योंकि इस फिल्म में तो अभी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने में शायद 1 से 1.5 महीना लगे। लेकिन अगर आप एक मतलब पॉलिटिकल ड्रामा देखना चाहते हैं, अगर आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो ये फिल्म आप लोगों को ज़रूर ज़रूर देखनी चाहिए। जहाँ तक है रेटिंग का सवाल, तो मैं इस फिल्म को यार 4 out of 5 रेटिंग देना चाहूँगा। और एक नंबर भी यार बस मैं यही है कि फिल्म के अंदर, क्योंकि थोड़ी फिल्म एडिट हो सकती थी और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने छोड़ दी हैं कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर, जो मतलब ऐसा मन कर रहा था कि इस फिल्म को और भी दिखाते तो मज़ा आता यार। मतलब ओवरऑल बस मैं तो यही कहूँगा, बहुत ही अच्छी फिल्म है और आप ज़रूर देखो। अगर आपने देख ली है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।